हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड एंड नेक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है डीप सर्वाइकल फेशिया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम्स में, डीप सर्वाइकल फेशिया थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। डीप सर्वाइकल फेशिया तो होता क्या है, बाहर से अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले स्किन आती है, उसके बाद क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया आता है। स्किन के जस्ट अंडर सुपरफिशियल फेशिया होता है, उसके नीचे की तरफ होता है डीप फेशिया। और डीप फेशिया जो होता है, नेक का जो डीप फेशिया होता है, वो उसका नाम क्या होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया। तो डीप सर्वाइकल फेशिया इज नथिंग बट द डीप फेशिया ऑफ द नेक। नेक रीजन का जो डीप फेशिया है उसे हम डीप सर्वाइकल फेशिया बोलते हैं। इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया अलग अलग जगह पे कंडेंस करके अलग अलग लेयर्स बना देता है। जैसे एक होती है इसकी इन्वेस्टिंग लेयर, ये सब इसकी अलग अलग कंडेंसेशन से बनी है ये सब लेयर्स। सबसे पहली है इन्वेस्टिंग लेयर, एक होती है प्री ट्रैकियल फेशिया जो कि ट्रैकिया के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए प्री ट्रैकियल। एक होती है वर्टिब्री के आगे, उसे कहते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। एक होती है कैरोटिड शीथ, एक होती है बक्कोफेरिंजियल फेशिया और एक होती है फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो हम ये छह लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया की छह लेयर्स हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिंग लेयर, फिर प्री ट्रैकियल, एक प्री वर्टिब्रल, एक कैरोटिड शीथ, एक बक्कोफेरिंजियल फेशिया एंड वन इज द फेरिंगो बेसिलर फेशिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में, बस इन्वेस्टिंग लेयर को इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी सब छोटे छोटे हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग लेयर से। तो इन्वेस्टिंग लेयर क्या है, किसकी लेयर, किस क्या है इन्वेस्टिंग लेयर? डीप सर्वाइकल फेशिया की एक लेयर है। डीप सर्वाइकल फेशिया की कंडेंसेशन से अलग अलग लेयर्स बनती हैं, उसमें से एक है इन्वेस्टिंग लेयर। ये लाए करती है प्लेटिज्मा मसल के डीप, नेक में एक मसल होती है प्लेटिज्मा, उसके डीप में लाए करती है इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, क्या समझ के चलोगे इन्वेस्टिंग लेयर को? डीप फेशिया ही आप समझ के चलो कि डीप फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया के जस्ट बाद हमें मिलेगी इन्वेस्टिंग लेयर नेक रीजन के अंदर। ये सराउंड करती है नेक को एक कॉलर की तरह, मतलब बिल्कुल इस तरह पूरी हमारी गर्दन जो है ना उसको साइड से पूरी इस तरह कॉलर की तरह सराउंड कर लेती है ये। तो इसकी कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, ये मतलब ये वाली लेयर कहाँ कहाँ अटैच है इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियरली। तो सुपीरियरली में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि कहाँ अटैच है, तो सबसे ऊपर अगर आपने ओसिपिटल बोन देखी हो, कुछ इस तरह की शेप होती है ओसिपिटल बोन की, उसमें बिल्कुल इधर पीछे की तरफ सेंटर में एक प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो सुपीरियरली हम बात करें अटैचमेंट की, ऊपर की तरफ इन्वेस्टिंग लेयर कहाँ कहाँ अटैच होती है, उसमें सबसे पहला आता है ऊपर की तरफ, वो है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस पे एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या है, ओसिपिटल बोन पे एक अलग से ही मतलब प्रोट्यूबरेंस बनी हुई है, जिसे हम एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो जैसे पहाड़ सा, छोटा सा पहाड़ सा बना हुआ हमें देखने को मिलता है ओसिपिटल बोन पे, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो वहां पे अटैच होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऊपर की तरफ, पांच जगह पे अटैच होती है ऊपर। पहला है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सेकेंड इज द सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन क्या होती है ना, ये भी ओसिपिटल बोन से ही जुड़ी हुई चीज है। ओसिपिटल बोन में अगर आप देखोगे ना, तो दो इस तरह से थिक रीजन बनते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ। ऊपर वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन, इसको हम सुपीरियर न्यूकल लाइन बोलते हैं। आपने ओसिपिटल बोन देखे तो इजीली समझ जाओगे, और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं इन्फीरियर न्यूकल लाइन। तो ये अटैच होती है सुपीरियर न्यूकल लाइन पे इन्वेस्टिंग लेयर ऊपर की तरफ। उसके अलावा ये अटैच होती है कहाँ पे, ऊपर की तरफ और देखेंगे तो क्या आता है, मेस्टोइड प्रोसेस भी आता है पीछे, और क्या आता है, स्टाइलोइड प्रोसेस। तो मेस्टोइड प्रोसेस और स्टाइलोइड प्रोसेस पे भी अटैच्ड है। और अगर बात करें थोड़ा साइड में जाएं हमारे ईयर के पास, तो वहां पे क्या आता है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस से भी अटैच होती है ये। और क्या आता है, टिम्पैनिक प्लेट, ये वही वो सब जगह आ रही है जहां पे पैरोटिड ग्लैंड का जो कैप्सूल था वो अटैच था। और वो कैप्सूल किससे बना था, पैरोटिड में मैंने बताया था ना कि जो पैरोटिड ग्लैंड था उसका जो एक सुपरफिशियल लैमिना बन रही थी, एक डीप लैमिना बन रही थी, वो कहां से बनी थी, वो इसी इन्वेस्टिंग लेयर से ही तो बनी थी। तो ये कहां अटैच होता है, मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस एंड टिम्पैनिक प्लेट, और लास्ट में आता है बेस ऑफ द मैंडिबल।
आगे की तरफ कहाँ है, बेस ऑफ द मैंडिबल। तो हमने क्या देखा, अटैचमेंट देखिए, सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर कहाँ कहाँ जुड़ा, पीछे और ऊपर की तरफ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन होती है, और थोड़ा नीचे आएंगे मैस्टोइड प्रोसेस, टाइलोइड प्रोसेस होता है, थोड़ा साइड में जाएंगे तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस और टिम्पैनिक प्लेट होती है, थोड़ा सा ऊपर और आगे की तरफ जाएंगे तो बेस ऑफ द मैंडिबल होता है। तो ये पांच जगह पे हमारी जुड़ती है इन्वेस्टिंग लेयर ऊपर की तरफ। अब नीचे कहाँ पे जुड़ती है, तो नीचे कहाँ आएगी, अब ये इन्वेस्टिंग लेयर नेक जहाँ खत्म होती है वहां से क्या शुरू होगा, नेक के जस्ट नीचे जहां हमारी गर्दन खत्म होती है वहां स्कैपुला बोन है, क्लेविकल बोन है, और क्या है, मैन्यूब्रियम पार्ट है स्टर्नम का। तो क्लेविकल, स्कैपुला और मैन्यूब्रियम इन तीनों पे ही जुड़ेगी नीचे की तरफ। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, स्कैपुला के अलग अलग पार्ट्स लिखते हैं, एक होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, एक होता है क्लेविकल पे जुड़ेगी एक, और एक ये जुड़ती है मैन्यूब्रियम पे। तो किन किन जो जो चीजें गर्दन खत्म होती आ रही है वहीं पे जुड़ेगी, गर्दन खत्म होती क्या आई, स्कैपुला आई, स्कैपुला के दो पार्ट्स पे जुड़ गई, क्लेविकल पे जुड़ गई और मैन्यूब्रियम पे जुड़ गई, इन चार जगह पे इन्फीरियरली जुड़ती है हमारी इन्वेस्टिंग लेयर। तो ऊपर कहाँ जुड़ी, नीचे कहाँ जुड़ी, ये हमने बात कर ली। अब एक और बात आती है, जब ये नीचे मैन्यूब्रियम पे आ रही होती है ना, ये आ रही है मान लो, तो ये नीचे आके स्प्लिट कर जाती है दो लेयर्स में, तो स्प्लिट करके जो ये एनक्लोज करती है स्टर्नम के ऊपर एक स्पेस बनाती है जिसे सुप्रा स्टर्नल स्पेस बोलते हैं, और क्लेविकल के ऊपर एक स्पेस बनता है जिसे सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस बोलते हैं। मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये मैन्यूब्रियम है, ये हमारी मैन्यूब्रियम बोन थी, वहां पे ये देखो ये इन्वेस्टिंग लेयर आई और सीधी आ रही थी, आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक इधर लग गया और एक इधर पीछे की तरफ लगता है, तो बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्टर्नल स्पेस। और ऐसा ही स्पेस क्लेविकल के ऊपर बनता है जिसे सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस बोलते हैं। और अच्छे से समझने के लिए ये वाला डायग्राम देखो, इसमें देखो मैं आपको अटैचमेंट दिखाता हूँ, ये इन्वेस्टिंग लेयर है, पीछे ये इन्वेस्टिंग लेयर थी, ऊपर कहाँ जुड़ी, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से जुड़ रही है, ठीक है। नीचे की बात करें तो ये देखो इन्वेस्टिंग लेयर ही नीचे गई, ये मैन्यूब्रियम पे जुड़ रही है, और नीचे जाके स्प्लिट कर गई, ये जो स्पेस बना है मैन्यूब्रियम के ऊपर इसे बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल स्पेस, ठीक है। तो हमने सुपीरियर और इन्फीरियर अटैचमेंट की बात की इन्वेस्टिंग लेयर की। सुपीरियर अटैचमेंट में एक चीज है, कुछ चीजें और रहती हैं, क्या होता है ना, इस टाइलोइड प्रोसेस से मैंडिबल के बीच में जाते वक्त क्या पड़ता है, एक ये थिक हो जाती है, जहां पे क्या बनाती है ये स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, याद है पैरोटिड में मैंने आपको बताया था कि थिक हो जाती है जो डीप लेयर है सर हमारी इसकी, पैरोटिड जो ग्लैंड था उसको जो कैप्सूल बनता है उसकी जो डीप वाली लेयर होती है डीप लैमिना, वो थिक हो जाता है स्टाइलोइड प्रोसेस से मैंडिबल के बीच में, उसे बोलते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो वो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट कौन बना रहा है, वही इन्वेस्टिंग लेयर ही तो थी जो पैरोटिड को इस तरह से कवर कर रही थी, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे क्या आएगी कि इन्वेस्टिंग लेयर किसको कवर, कौन कौन से ग्लैंड को इसने अपने अंदर लिया, पैरोटिड ग्लैंड को ये कवर करती है दोनों तरफ से, तो इसके अंदर आता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा एक और ग्लैंड को ये आगे और पीछे से कवर करती है, वो है स्टाइलो मैंडिबुलर ग्लैंड, सॉरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो दो ग्लैंड्स को ये कवर करती है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड और एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड को ये इसके अंदर लाए करेंगे वो दोनों। देखो आपको याद होगा डायग्राम, मान लो ये हमारा, ये मेरा पैरोटिड ग्लैंड है, मान लो मैंने ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था, तो पीछे से आ रही थी इन्वेस्टिंग लेयर, वो दो पार्ट्स में बट स्प्लिट हो गई थी, एक सुपरफिशियल लैमिना और एक डीप लैमिना, देखो इस तरह से यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेट से जाके जुड़ गई थी। तो यही चीजें इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि पैरोटिड ग्लैंड को अपने अंदर ले लेती है और इसी तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड को भी अपने अंदर ले लेती है। अब हम चलते हैं अटैचमेंट में, एंटीरियरली अटैचमेंट मतलब आगे की तरफ ये कहाँ जुड़ेगी, हमने ऊपर देखा नीचे देखा, एंटीरियर अटैचमेंट की बात करें तो एंटीरियरली ये जुड़ती है सिम्फाइसिस मेंटी पे, सिम्फाइसिस मेंटी क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो हमारी जो चिन है ना वही सिम्फाइसिस मेंटी, दोनों तरफ से मैंडिबल का दोनों जो पार्ट्स जो थे बेस ऑफ मैंडिबल जो वो जाके जुड़ते हैं ना आगे, तो बीच में जो एक वो बनती है प्रोट्यूबरेंस उसे बोलते हैं हम सिम्फाइसिस मेंटी, बीच में जो लाइन होती है दोनों के जॉइंट की, देखो दोनों तरफ से मैंडिबल के ये पार्ट्स आए, ये सेंटर में जुड़ी जहाँ पे हमारी चिन बनती है ना यहाँ पे ही प्रेजेंट होती है सिम्फाइसिस मेंटी। उसके अलावा ये जुड़ती है हायोइड बोन पे, आगे की तरफ कहाँ जुड़ रही है सिम्फाइसिस मेंटी और हायोइड बोन, पीछे की तरफ कहाँ जुड़ेगी, तो पीछे एक लीगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लीगामेंटम न्यूकी, पीछे होता है एक लीगामेंट जिसे बोलते हैं लीगामेंटम न्यूकी,
और एक होती है स्पाइन ऑफ सेवंथ, स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्री पे जाके जुड़ती है। तो आगे की तरफ जुड़ी सिम्फाइसिस मेंटी और हेड बोन, और पीछे की तरफ ये कहाँ जुड़ी, लिगामेंटम न्यूकी से जुड़ जाती है और C7 वर्टिब्री के स्पाइन से जाके जुड़ जाती है। कौन? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इन्वेस्टिंग लेयर आगे हायर्ड बोन से जुड़ रही थी और सिम्फाइसिस मेंटी से जुड़ रही है, यही नीचे जाके कहाँ जुड़ रही थी, मैन्यूब्रियम से जुड़ रही है। और यही अगर आप देखोगे पीछे की तरफ तो ये जो ग्रीन कलर में पूरा है ये हमारा लिगामेंटम न्यूकी इस तरह प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, इससे जाके जुड़ जाती है हमारी इन्वेस्टिंग लेयर और नीचे जुड़ती है स्पाइन ऑफ C7 से। ठीक है, तो ये अटैचमेंट पोस्टीरियर हो गई, एंटीरियर हो गया, सुपीरियर मैंने बता दिया और इन्फीरियर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर की, कुछ इम्पोर्टेंट चार हम फीचर्स की बात करेंगे मेनली। तो इन्वेस्टिंग लेयर का सबसे पहला जो अदर फीचर्स है वो है कि इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो स्प्लिट कर जाती है और एनक्लोज करती है अलग अलग चीजों को, जैसे पैरोटिड ग्लैंड को एनक्लोज कर रही थी स्प्लिट होके, उसी तरह कुछ मसल्स को एनक्लोज करती है, कुछ ग्लैंड्स को एनक्लोज करती है, उसके अलावा दो स्पेसेस बनाती है, सुप्रा स्टर्नल, सुप्रा क्लेविकुलर, इसी तरह ये कुछ कुछ चीजों को अपने अंदर ले लेती है। तो सबसे पहले बात करें मसल्स की, तो कौन कौन सी मसल्स को ये एनक्लोज करेगी, ये देखो इस तरह चल रही है डीप सर्वाइकल फेशिया, एकदम से ऐसे स्प्लिट कर जाएगी और ऐसे जाके एनक्लोज कर लेगी किसी भी चीज को अपने अंदर। तो मसल्स में आता है सबसे पहली जो मसल जिसको ये अंदर लेती है वो है ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस, और पीछे की तरफ एक और मसल होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड। तो स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को ये अपने अंदर एनक्लोज करती है। दो ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे, एक था पैरोटिड ग्लैंड और एक था सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इन दोनों को भी ये एनक्लोज करती है। दो स्पेसिस की मैंने बात की थी, एक सुप्रा स्टर्नल और एक सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस, इन दोनों को ये एनक्लोज करती है। तो सुप्रा स्टर्नल स्पेस का एक नाम होता है दूसरा, उसे बोलते हैं हम स्पेस ऑफ बर्न्स। तो स्पेस ऑफ बर्न्स किसका नाम है, सुप्रा स्टर्नल स्पेस का ही दूसरा नाम है स्पेस ऑफ बर्न्स। अब हम इन दोनों स्पेसिस की बात करें थोड़ी, इन दोनों स्पेसिस स्पेस है मतलब खाली स्पेस है, तो कुछ ना कुछ चीज हो सकता है उसके अंदर लाए करें। तो कौन कौन सी चीज अंदर लाए करती है, उसमें सबसे पहली आती है सुप्रा स्टर्नल की बात करें तो आता है स्टर्नल हेड ऑफ राइट एंड लेफ्ट स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये हमारा मैन्यूब्रियम है, इसके ऊपर ये जो स्पेस बन रहा है ना, दोनों लेयर आ रही है इस तरह से ऊपर से आई और स्प्लिट कर गया ऐसे जुड़ गई। ठीक है, तो ये जो लेयर बनी है इन्वेस्टिंग लेयर है दोनों। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लाई करेंगी इस स्पेस में, तो एक आता है स्टर्नल हेड ऑफ द स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड, राइट और लेफ्ट दोनों स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड का स्टर्नल हेड यहाँ पे आएगा। उसके अलावा देखोगे तो लिम्फ नोड मिलेगी, एक ये देखो ग्रे कलर में लिम्फ नोड है, एक ये वेनस आर्च दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं जुगुलर वेनस आर्च, वो भी यहाँ पे लाई करती है, और एक लाई करता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है इसे बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो टोटल चार चीजें लाई करती हैं सुप्रा स्टर्नल स्पेस या फिर स्पेस ऑफ बर्न्स में। वन इज द राइट एंड लेफ्ट स्टर्नल हेड ऑफ राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एक लिम्फ नोड, एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और एक जुगुलर वेनस आर्च। तो हमने चार चीजें पढ़ी सुप्रा स्टर्नल स्पेस में, कौन कौन सी, स्टर्नल हेड ऑफ राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, जुगुलर वेनस आर्च, लिम्फ नोड एंड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे लाई करता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, जो नर्व सुप्रा क्लेविकुलर होती है ना ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर, हमने पढ़ा था रेट्रो क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, तो सुप्रा क्लेविकुलर जो पार्ट जो था ब्रेकियल प्लेक्सस का वो वाली नर्व्स यहाँ लाए करते हैं इसी स्पेस में। उसके अलावा कुछ क्यूटेनियस वेसल्स भी लाए करते हैं और कुछ लिम्फेटिक्स भी लाए करते हैं, तो ये हमें चीजें इसमें याद करनी है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इन्वेस्टिंग लेयर का वो ये है कि ये पुल्ली बनाता है डाइगेस्ट्रिक और ओमोहाइड मसल। हमें ये पता है कि डाइगेस्ट्रिक और जो ओमोहाइड होता है, हमने जब ट्राइंगल्स ऑफ नेक की बात की थी ना तो उसमें मैंने बताया था कि इनके दो दो अलग अलग हेड्स होते हैं, बेलीज होती हैं, डाइगेस्ट्रिक की बेली होती है दो और दो ओमोहाइड की अलग अलग। होता क्या है, ये मसल जब आती हैं तो ये ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, तो ये अलग पार्ट बन जाता है ये अलग पार्ट, इसी तरह ओमोहाइड का भी होता है। तो ये अलग होंगी तो बीच में कुछ ना कुछ इनको चाहिए ना यहाँ पे जिसकी अलोंग ही घूम सके। हमने फिजिक्स में पढ़ा था इस तरह से, मान लो हम यहाँ से कोई चीज ऐसे नहीं, ऐसे देखो ये टेबल पे कोई चीज, ये ऐसे हमने पुल्ली इसको बोलते थे, कोई भी रस्सी अगर हम बांधते थे इसके अलोंग जो ये रस्सी थी
ये जिसके अलोंग ही रस्सी बांधते थे उसे हम क्या बोलते थे, इसे हम पुल्ली बोलते थे ना, इस पुल्ली के अलोंग ही रस्सी इस तरह से जाती थी। उसी तरह आप इसको समझो, ये मसल जा रही है, ये इसके अगेन इसके अलोंग ही तो घूम रही है ना। जैसे मान लो यहाँ से कोई धागा आ रहा है, उस धागे को मैं यहाँ से इस तरह लपेट के ऊपर लेके जाऊं, तो ये क्या काम कर रही है, पुल्ली का काम कर रही है। वही काम डीप सर्वाइकल पेशा करती है, डायगेस्ट्रिक और ओमोहाइड मसल के लिए पुल्ली का काम करती है, और डायगेस्ट्रिक और ओमोहाइड की दो अलग अलग बैलीज बन जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर और इन्फीरियर इनकी बैली बनती है। तो मेरे को याद नहीं है, डायगेस्ट्रिक की शायद एंटीरियर और पोस्टीरियर बैली होती है, और ओमोहाइड की सुपीरियर और इन्फीरियर बैली होती है, एक बार चेक कर लेना ट्रायंगल्स ऑफ नेक में। नेक्स्ट बात करें तो ये रूफ बनाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल जो मैंने बताए थे उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो छत है ना दोनों की, कौन बनाएगा रूफ, कौन बनाएगा, जो इन्वेस्टिंग लेयर है डीप सर्वाइकल फेशिया की वो रूफ बनाती है दोनों ट्रायंगल ऑफ नेक का, ये बात याद रखनी है। उसके अलावा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की मैंने बात की थी कि जो पैरोटिड के अंदर, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये इन्वेस्टिंग लेयर आई, ये स्टाइलोइड प्रोसेस होता है इधर, यहां से लेके जो मैंडिबल तक ये जाती है तो ये ठीक हो जाती है थोड़ी, उसे बोलते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। इन्वेस्टिंग लेयर ही क्या बनाती है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और पैरोटिडोमेस्टेट्रिक फेशिया। ये क्या होता है, याद है इन्वेस्टिंग लेयर स्प्लिट की थी तो एक सुपरफिशियल लैमिना बना था, एक डीप लैमिना, तो जो सुपरफिशियल लेयर जो थी उसे ही हमने क्या बोला था, पैरोटिडोमेस्टेट्रिक फेशिया, यही तो था। तो वो भी किसने बनाया था, इन्वेस्टिंग लेयर ने ही तो बनाया था। तो ये दो चीजें और बनाती है। तो हमने क्या क्या बात की, फिर से बताऊं, हमने अटैचमेंट देखे सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर इन्वेस्टिंग लेयर के, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, किन किन मसल्स को एनक्लोज किया, किन किन मसल्स के बाद हमने क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड्स जो जो एनक्लोज किए, कौन कौन से स्पेसिस को एनक्लोज किया, फिर हमने बात की स्पेसिस में क्या क्या लाए करता है, फिर मैंने बोला ये पुल्ली बनाता है, ये रूफ बनाता है एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल की, और क्या बनाता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द पैरोटिडोमेस्टेट्रिक फेशिया। तो अगली वीडियो में हम फर्दर इनकी अदर लेयर्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।